अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ झटपट भुनागोश बनाने की रेसिपी। झटपट भुनागोश बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त को कुकर में बॉईल कर लेंगे। कुकर में मैक्सिमम 20 मिनट्स में गोश्त परफेक्टली कुक हो जाता है। उसके बाद एक पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें लहसुन पेस्ट को सौते करेंगे, देन उसमें प्याज ऐड करके प्याज फ्राई करेंगे। प्याज जब फ्राई हो जाएगी तो उसमें टमाटर ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए टमाटर को पकाएंगे। और फिर थोड़ी देर के लिए टमाटर को ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। टमाटर अच्छे से कुक होने के बाद तमाम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, भुना कुटा जीरा, कुटा हुआ साबुत धनिया और नमक ऐड करेंगे। मसालों को पकाने के बाद उसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को मसाले में पकाने के बाद उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, कसूरी मेथी, गरम मसाला और लेमन जूस ऐड करेंगे। तमाम मसाले को गोश्त के साथ अच्छी तरह भून के थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करेंगे और फिर ढक देंगे। कितनी देर पकाना है इसे कि तेल अलग हो जाए, और जब तेल से अलग हो जाए तो झटपट भुना हुआ गोश्त तैयार है।